Welcome to my channel Learning and Speaking. Today we discuss about use of articles. Articles का क्या प्रयोग होता है English में? Articles तीन होते हैं, a, an, on, the. In English there is 26 alphabets of which 21 are consonant and 5 are vowels. When we know the use of a and the, then everyone make a sentence easily in starting English. This is a base of every children for making sentence, and if children understand it perfectly, then they make sentence easily. अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, जिनमें से 21 व्यंजन होते हैं और 5 स्वर होते हैं. जब हम ए एन द का उपयोग जानते हैं तो वाक्य आसानी से अंग्रेजी में बना सकते हैं. यह वाक्य बनाने के लिए हर बच्चे का आधार है, और अगर बच्चे इसे पूरी तरह से समझते हैं तो वो आसानी से वाक्य बना सकते हैं. यूज ऑफ ए एन. आर्टिकल ए एन इज यूज विद सिंगुलर ही शी इट नेम. वर्ड्स दैट स्टार्ट विद वॉवल और वॉवल साउंड आर preceded by an to denote an object, such as an s, an I, an inkpot, an owl, an umbrella. For example, वह ईमानदार व्यक्ति है. He is an honest man. Words that being with a consonant or consonant sound are preceded by a, such as a university, a European. For example, मैंने एक सुंदर सपना देखा. I had a beautiful dream. University, Europeans, all through they beings with the vowel, but when speaking the sound of the consonant U comes out. So the article A is used with them. For example, उसका एक रुपए का नोट खो गया है. He has lost a 1 rupee note. Similarly, H is a silent in word like hotel, honest, air. So even starting with the consonant, N is put before it. For example, वह तख्त का उत्तराधिकारी है. He is an heir to the throne. When there is an adjective before a singular noun, then article N or A is put before the adjective, such as an honest man, a good boy. For example, मुझे रास्ते में एक बूढ़ी स्त्री मिली. I met an old woman on the way. ए एन का प्रयोग. ए एन को एक वचन ही शी इट नेम के साथ प्रयोग किया जाता है. जो शब्द स्वर या स्वर ध्वनि से शुरू होते हैं उनके पहले एक वस्तु को प्रकट करने के लिए एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे एन एस, एन आई, एन इंकपॉट, एन आउल, एन अम्ब्रेला. एग्जाम्पल के लिए, वह ईमानदार व्यक्ति है. ही इज एन ऑनेस्ट मैन. जो शब्द व्यंजन या व्यंजन ध्वनि से शुरू होते हैं उनके पहले एक वस्तु को प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सुंदर सपना देखा. आई हैड अ ब्यूटीफुल ड्रीम. यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, हालांकि ये स्वर से शुरू होते हैं लेकिन बोलते समय व्यंजन यू की ध्वनि निकलती है, इसलिए उनके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, उसका एक रुपए का नोट खो गया है. ही हैज़ लॉस्ट अ 1 rupee नोट. इसी प्रकार होटल, ऑनेस्ट, हेयर जैसे शब्दों में एच साइलेंट है, इसलिए कॉन्सोनेंट से आरंभ होने पर भी इसके पहले एन ही लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वह तख्त का उत्तराधिकारी है. ही इज एन हेयर टू द थ्रोन. जब एक सिंगुलर नाउन के पहले कोई विशेषण, एडजेक्टिव हो तो विशेषण के आगे ए या एन लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे रास्ते में एक बूढ़ी स्त्री मिली. आई मेट अ ओल्ड वूमेन ऑन द वे. यूज ऑफ द. द इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर थिंग और अ स्पेशल पर्सन, सच एज द फॉक्स, द क्रो. इन द फॉलोइंग केसेज द इज यूज. नेम ऑफ रिवर, द गंगा, द यमुना. ओशन, माउंटेन रेंज, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, क्रीक. कंट्री एंड प्रोविंस, नेम ऑफ शिप, न्यूज़पेपर, कास्ट, एक्सेट्रा.
such as the Indian Ocean, the West Indies, the Persian Gulf, the Punjab, the Deccan, the Mongolia, the Hindustan Times, the Hindus, the Vedas, etc. The is used even before big things like sun, moon, stars, etc. In the superlative degrees, the is used compulsory, such as the he is the most intelligent boy of the class. Before the names of directions, the east, the west, the north, the south. When a person or place is to be mentioned like a famous person or place, then the also used before the proper noun, such as he is the Newton of his country. Kalidas was a Shakespeare of India. Kashmir is the Switzerland of India. He is the Einstein of his age. The का प्रयोग किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति विशेष के लिए द का प्रयोग होता है, जैसे द फॉक्स, द क्रो. निम्नलिखित दशाओं में द का प्रयोग होता है. नदी का नाम, जैसे द गंगा, द यमुना. महासागर, पर्वत श्रेणियाँ, द्वीप समूह, खाड़ियाँ, देश प्रांत, जहाज का नाम, समाचार पत्र, जाति आदि, जैसे द इंडियन ओशन, द वेस्ट इंडीज, द पर्सियन गल्फ, द पंजाब, द डेक्कन, द मंगोलिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदूज, द वेदास, एक्सेट्रा. सूरज, चांद, तारे आदि बड़ी बड़ी चीज़ों से पहले भी द का प्रयोग होता है. सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है, जैसे ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास. दिशाओं के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ. जब किसी व्यक्ति या स्थान को किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या स्थान जैसे प्रकट करना हो, तो प्रॉपर नाउन से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे He is the Newton of his country. Kalidas was the Shakespeare of India. Kashmir is the Switzerland of India. He is the Einstein of his age. Omission of article the. In the following cases, the is not used. Before collective nouns, mankind, society, etc. Before languages and dialects, English, French, Hindi. Before phrase, by hand, by bus, by train, on sale, on horseback, at fault, at home, in bed, in trouble, at college, at school. निम्न दशाओं में द का प्रयोग नहीं होता. कलेक्टिव नाउन से पहले, मैनकाइंड, सोसाइटी, एक्सेट्रा. भाषाओं और बोलियों के पहले, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, एक्सेट्रा. फ्रेज के पहले, बाय हैंड, बाय बस, बाय ट्रेन, ऑन सेल, ऑन हॉर्सबैक, एट फॉल्ट, एट होम, इन बेड, इन ट्रबल, एट कॉलेज, एट स्कूल. आज के लिए बस इतना ही. मेरे आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ अ नाउन. नाउन क्या होती है, इसे किस प्रकार से सीखा जाता है. अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं और आपको इंग्लिश बोलने और सीखने में मदद मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो को आप आसानी से देख सकें. मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए. थैंक यू.